दीवानगी की हद से आगे गुजर ना जाओ, आंखों में उसका चेहरा कैसे उसे दिखना। Hello viewers, you're watching Eastern Journal. I am Tana Pumin and today is 10th October, which is observed as the World Mental Health Day. And today we're reporting from Senki Park, Itanagar, where Deepak Nabam Living Home, a home for no home and a halfway home for mental disabilities, have organized a celebration for World Mental Health Day, where more than 317 inmates are present here. Today, the chairman, Nabam Deepak, has invited the now Minister of Health, Family Welfare, Swajata, Government of Arunachal Pradesh, Mr. Alo Libang, and showed him around the infrastructure of this home and the kitchen and everything that the people are living in here currently. And as a resource person, the former Directorate of Health Services, Government of Arunachal Pradesh, Mr. Dr. M. Lego has also come here, and he has stated the importance of mental health. He has stated that no health is there without mental health. He has also given the awareness for the people to always check after their mental health every day, from individuals which can be children to individuals which can be adults. So he has asked and urged everyone to look after their mental health. So keep watching Eastern Journal as we continue to cover this important program. Deepak Nabam Living Home mein ye 317 inmates bhi hai aur aaj yahan NGOs se bahut civil service ko representative aaya hai और यहाँ जो इनमेंट्स का जो पेरेंट्स है वो सब भी आया हुआ है और हम लोग भी डिपार्टमेंट से भी आए हैं। तो आज यहाँ हम लोग ने जितना भी दीपक नाबम लिविंग होम में गवर्नमेंट का तरफ से जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ का तरफ से जो क्या क्या काम नहीं करना है क्या करना है वो सब का भी हम लोग चर्चा किया है। तो उनका वो हमको एक रिप्रेजेंटेटिव भी दिया है तो उसको मैं बात करूंगा मेरा डिपार्टमेंट से और हमारे डिपार्टमेंट का तरफ से भी उनको आगे से भी मदद भी कर रहे हैं। तो मैं जितना भी लेकुनस से अभी डिपार्टमेंट से जो काम नहीं हो रहा है उसको भी पूछताछ करूंगा, जानकारी ले लूंगा उसको जैसे भी करना चाहिए। सर, 200 से लेके अभी 300 से अधिक लोग मर चुके हैं। काफ़ी बार आप लोगों का तरफ से एश्योरेंस दिया गया है, हमने भी देखा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, एक्चुअली उसमें तो अथॉरिटी अलग होता है, इन लोग हमारा पास में आना पड़ेगा, हम लोग को नहीं बताता है। तो यहाँ में और इन लोग का जो यहाँ का कमिटी और हमारा जो अथॉरिटीज़ इन लोग ही बात करता है तो वो बात का जो रिजल्ट है कॉन्सिक्वेंसी है हमको तो नहीं पता था, आज ही हम जानते हैं। अदरवाइज में इन लोग को भी कुछ बोला कभी बता सकता है। तो इसलिए मैं जितना भी आज नाबम जी ने बताया है उसको मैं डिपार्टमेंट कमिटीज है उनका हम बुला के बात करूँगा। सर, जैसे कि आज आपने भी काफ़ी विजिट किए हैं तो आपका तरफ से क्या लगता है और क्या गवर्नमेंट यहाँ में इनपुट दे सकते? नहीं, एक्चुअली मेटल हाफ वेज का भी हम लोग ने यहाँ दिया गया है तो उसमें डिपार्टमेंट का जो भी ये राइट है इन लोग का, जो भी इन लोग को हम लोग मदद करना चाहिए उसको तो हम लोग जो होने वाला हम लोग मदद करेंगे। सर, रिसेंटली दिव्यांगजन बेनिफिशरीज ग्रुप ने भी प्रोटेस्ट बैठा था वहाँ पे और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सर उसमें चार नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल स्कीम्स आता है डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, फैमिली बेनिफिट्स का, सर उसमें भी उन लोगों का कहना है कि मोर देन 200 करोड़ का सर वो लोग को नहीं मिला गया है 2018 से लेके 2023 तक का। सर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उसका इन लोग का भी बहुत अपना कमियाँ है, उसमें हम लोग जितना देना चाहिए हम लोग तो दे रहे हैं, सेंटर से तो हम लोग को 200 और 300 ही देता है, जितना भी हमें ये 3000 2000 ऐसा होता है ये हमारा अरुणा से गवर्नमेंट से ही सपोर्ट देता है। लेकिन हम लोग वहाँ में जो सिंगल नोटेड जो बैंक का कुछ हुआ था उसी में इन का जो बहुत सा लोग का ये बैंक ये में एड्रेस कार्ड का नाम अलग होता है, इन को हम लोग रिवाइज करने के लिए उसमें देने के लिए दे और ना जब वो नहीं था तो देता था। अभी एड्रेस कार्ड में नाम अलग होता है, दूसरा में नंबर, तो उसको अपलोड होने में बहुत तकलीफ मिले पे सकता। तो
तो जितना भी है उसको हम लोग अब सीधा करने के लिए बोला है, वो होने से इन लोग का जितना भी पेमेंट है इन लोग मिल जाएगा। सर रिसेंटली जीरो में कैंसर डिटेक्शन का प्रोग्राम कराया जाएगा, एक्चुअल कैपिटल में हम लोग मोबाइल वैन भी ऑलरेडी भेज चुका है, वो काम करना चाहिए। इस कैपिटल ने जो कैंसर स्क्रीनिंग का जो मोबाइल वैन एक तो हम लॉन्च कर चुका है, लेकिन वह हम लोग लॉन्च किया है जीरो से, अभी सारा डिस्ट्रिक्ट में ये काम हम लोग शुरू करेगा डिटेक्शन का जो उसको हम लोग करने देगा। क्योंकि आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में आपका पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा कैंसर होता है या होता है, तो उसका भी हम लोग रीजन के लिए भी हम लोग उसको फाइंड आउट करने के लिए जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से और जो भी बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट से भी हम लोग सपोर्ट मांगा है, इन लोग का साथ ही हम लोगों का मिलान किया गया है। तो यहाँ में हम लोग रीज़न किस लिए है वो सब हम लोग डिटेल में जानकारी लेने के लिए इन लोग को भी हम लोग मदद मांग पाए। सर सेहत आज का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में एक मैसेज दे दीजिए। मैं सारा अरुणाचल का पब्लिक को, सारा जो व्यूअर्स को आपका मीडियम से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी मेंटल हेल्थ है जो भी है उसको आप सपोर्ट देना है, साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, वो बोल के मैं वही मैं अनुरोध करना चाहूँगा पब्लिक से।